दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे ARB का, आर्बिट्रम का। आर्बिट्रम में कैसा आपको अभी मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका स्पोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। देखिए, जब हम बात करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स का, तो ARB न्यू लिस्टिंग कॉइन्स है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ब्लॉकचेन की नॉलेज रखते होंगे तो आपको याद होगा कि इथेरियम के बाद जो हमारा ब्लॉकचेन यूज़ होता है मैक्सिमम, वो है आर्बिट्रम का। तो अगर आप बुल मार्केट के लिए अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं तो उसमें ARB को आप पिक कर सकते हैं। ARB जब भी आपको $1 के नीचे मिलेगा। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अलग अलग बाइंग के लेवल बताए थे और वो पहला एंट्री हमारा हो भी चुका है। अगर आपने उस वीडियो को देख के अपनी बाइंग करी होगी तो अभी आप प्रॉफिट में होंगे। फर्दर क्या मूवमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम ARB के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको $1 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.6% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसका हम 24 के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 1.02 से लेके 1.05 के रेंज में देखने को मिलता है। बहुत माइनर से जोन में इसकी फ्लक्चुएशन है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें, ये आपको 2 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 306 मिलियन है। अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, पर जैसे जैसे इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसका जो एग्जैक्ट बॉटम है वो लगा था 0.76 का। तो जो आपकी डिप बाइंग होगी या फिर अगर आपने इसको हाई प्राइस में बाय करा है तो DCA का लेवल वही होगा 0.76 का। उससे पहले आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं, मतलब पहली और दूसरी एंट्री ले सकते हैं इसमें। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें, टोटल सप्लाई अभी आपको 10 बिलियन देखने को मिलती है, मैक्सिमम सप्लाई भी 10 बिलियन है, मतलब सप्लाई फिक्स है। सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी 2 बिलियन है, मतलब अभी बहुत कम मार्केट में इसकी सप्लाई आई है, पर जैसे जैसे सप्लाई मार्केट में इसकी आती जाएगी इसके जो होल्डर हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसका आपको एड्रेस भी मिल जाएगा अगर आप किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से इसको बाय करना चाहते हैं तो। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। देखिए, जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता है तो आपने किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को पिक करना होता है, उसके वाइट पेपर को आप रीड आउट करें, वेबसाइट पे जाएं या उसके वर्किंग प्रोसीजर को समझें कि कैसे वो वर्क कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आप इसके अबाउट सेक्शन में जाके आप आर्बिट्रम के बारे में रीड आउट कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पर भी इसकी विजिट कर सकते हैं। और अगर इसके हम टारगेट की बात करें तो देखिए, मिनिमम हमारा जो टारगेट है वो ये होगा $2.5 का, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। बॉटम इसका लगा था 0.74 का, इससे थोड़ा सा हमने ऊपर बाइंग करी थी अपनी, और अराउंड अगर ये आपको दोबारा बॉटम मिलता है तो आप अपनी डिप बाइंग कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं ARB के मूवमेंट को। तो आप देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम ARB का पेयर देख रहे हैं USDT के साथ, हमने इसका डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो देखिए, आपको जो इसका स्ट्रेट सपोर्ट देखने को मिलेगा जिसको कि हमने ब्रेक कर दिया है, और अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन है। प्राइस एक्शन ऊपर से आके और इस बॉटम पे होल्ड हुआ है, और आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का, जिसके कि हमने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब अगर इस लेवल को हम एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करते हैं तो आपको जो सेकेंड एंट्री का लेवल बताया है वो मिलेगा। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में क्या बोला था कि जैसे ही आपको ARB $1 के नीचे मिले तो आपकी बाइंग होगी। तो पहली एंट्री के लिए जो लेवल है ये $1 का है। अगर आपको डाउनफॉल के साथ ये लेवल मिलता है तो आपकी बेस्ट बाइंग है, और दूसरी जो बाइंग है वो आपको 0.75-0.76 के अराउंड करनी है। दो पार्ट में आपने एंट्री लेनी है। अगर हम आपके टारगेट की बात करें तो आपका जो टारगेट है ना वो होगा 1.2 का, 1.5 का, 1.7 का, और धीरे धीरे यही टारगेट बढ़ के $4-5 के लेवल को टच करेगा। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है इसके प्राइस में आपको कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। पहले देखिए, जब मैंने आपकी बाइंग कराई थी उसके बाद से मैंने आपको टारगेट दिया था, जब हमें सेम बॉटम मिला था 0.75 का, तब मैंने आपको बोला था कि आपका जो टारगेट होगा ना 1.2, 1.5, 1.7, 2.1 का होगा। तो हमने उन सब टारगेट को अचीव करा। वापस से आपके पास वही अपॉर्चुनिटी है बाय करके प्रॉफिट बुक करने का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में। अभी जो हमारी कैंडल्स हैं वो 200 EMA के नीचे हैं, और EMA में भी आपको कोई खास गैप देखने को नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा आपको 4 आवर के अकॉर्डिंग मॉनिटर करना पड़ेगा मार्केट को, और अगर हमारी जो क्लोजिंग है वो इस लेवल के ऊपर होती है जो कि है 1.05 का,
फिर आपको एक रेजिस्टेंस वाला मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकता है। मतलब अगर हम यहाँ क्लोजिंग देते हैं फिर आपका जो टारगेट है वो 1.1 का मिल सकता है रिकवरी के साइड में, और अगर यहाँ से हम रिजेक्शन लेंगे तो अगेन डाउनफॉल होगा। आपको मैंने सिंपल सा ही बताया हुआ है कि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो लॉन्ग के साइड में आपने केयरफुली अपना ट्रेड लेना है। मतलब क्या है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो अभी के डेट में थोड़ा अवॉइड करें स्पोर्ट की आपकी बाइंग हो सकती है। लेवल बता दिया $1 पे पहली का और दूसरी एंट्री 0.7675 के अराउंड में आप ले सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।